नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगे खबर सच। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर स्थित ग्राम बहलोलापुर के ढाल पर अचानक गन्ने का रस निकालने वाली इंजन ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक इंजन ट्रॉली के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजन घायल को यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। ग्राम खुशराजपुर के बजरा चीतेपुर निवासी प्रेमचंद्र पुत्र राम नारायण 36 वर्ष इंजन ट्रॉली मशीन से गन्ने का रस निकालकर बिक्री करके का धंधा करता था। आज वह गन्ने का रस बिक्री करने हेतु ग्राम बहलोलापुर गया था। वह देर शाम इंजन ट्रॉली लेकर वापस अपने गांव चीतेपुर जा रहा था, तभी रास्ते में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर स्थित बहलोलापुर की ढाल पर इंजन ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक प्रेमचंद्र इंजन चालित ट्रॉली के नीचे दब गया। चीख पुकार सुनकर राहगीर दौड़े और उसे ट्रॉली के नीचे से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंचे परिजनों घायल को आनन फानन के यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करते ही परिजनों में कोहराम मच गया और वे दहाड़े मार मार कर रोने लगे। करीब 2 वर्ष पूर्व प्रेमचंद का विवाह हुआ था। उसकी 9 माह की अबोध बच्ची है। अभी करीब 2 दिन पूर्व वह अपनी बहन का तिलक करके लौटा था और आगामी 11 मई को बहन की शादी थी। शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने की गरज से वह गन्ने का रस बेचकर कमाई करने में जुटा हुआ था। आज अचानक उसकी मौत से बहन की शादी के अरमान चकनाचूर हो गए। उधर पत्नी सोनी दहाड़े मार मार कर रो रही थी कि अब उसकी अबोध बच्ची का पालन पोषण आखिर कौन करेगा। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।